I promise you, मैं कुछ नहीं होगा, you'll be all right. मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अमीशा. You'll be all right. इतनी मुश्किल से उस वॉचमैन को बुलाया अंदर आने के लिए. And what is wrong with this Niharika? वो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रही है? मालिक से क्यों नहीं मिलने दे रही है? Actually, सिर्फ मालिक उन्हें कंट्रोल कर सकता है. Otherwise, she thinks that she can get away with anything. हम जितना प्रोटेस्ट करें, she has the power to keep us away from him. No, I don't agree. मालिक से मिलना चाहते हैं तो we can. We can pull off something. कुछ तो कर ही सकते हैं ना. But the fact is कि अभी नंदनी को वहाँ आना चाहिए. So we are sacrificing. क्यों ना भैया? सही कहा ना मैंने? तो मधुबाला चुप क्यों? बोलो, अभी तो इतना बोल रही थी. ए हेलो, ए क्या? हेलो, यू फाइन? केयरफुल कबीर. हे कबीर, डोंट वरी. वो उसे आई थिंक शी नीड्स स्ट्रेस, शी विल बी फाइन. हम इसे घर लेके जाते हैं तो नंदनी को देंगे. ये कौन यहाँ लाया? तुम कौन? वो मीना नर्स ने बोला टाल चेंज करने के लिए, तो चेंज कर लिया. कौन मीना नर्स? तुम मीना नर्स को नहीं जानती? तुम क्या बोलती? बोलती? तुम यही रुकती. मैं मीना नर्स को बुला के आती. तुम यही रुकती, यही वेट करो. Hey, hey, सुनो. I don't want any statement to be released to the press. It's better कि आप लोग यही assume कर लें कि Manik Malhotra इस hospital में है ही. Don't worry, Mrs. Malhotra. We will take extra care. Excuse me. What's up, Mrs. M? क्या हुआ? आप बहुत stressed हैं. I think you need a bit of my touch. So, how about a shoulder massage? Just shut up. मैंने तुमसे कहा था मानिक से दूर रहना. But you couldn't wait, could you? मैंने ये भी कहा था, talent hunt them, don't do anything stupid. But I doubt you can understand anything, Harsha. What have you done to him? Trust me, मैंने मानिक को कुछ नहीं. I mean, I like doing things, but only to you. अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? हाँ, मैंने तुमसे कहा था मैंगलोर जाकर मानिक पर नजर रखना और मुझे रिपोर्ट देते रहना. What happened to all that? You know what, miss? I'm not your watchdog, okay? So just relax. Anyways, मैं मैंगलोर सिर्फ आपके कहने पर गया और मैंने exactly वही किया जो आपने मुझे कहा. मानिक को क्या हुआ? I'm sure doctors can tell. But हाँ, I can tell you something. It's no one can. It's Nandini. That's what exactly happened to Manik. Trust me, Nandini has changed me. You know, मैं बहुत दिन से मानिक को observe कर and I've realized कि कितने दिन एक बार भी गुस्सा नहीं. इवन इफ एनी वाज टेकिंग माय केस, देन आल्सो ही वाज एक्चुअली एंजॉयिंग. ही इज एन अग्रेसिव एनिमी. मानिक हैज एक्चुअली बिकम अ नाइस गाय. हर्षद, डू यू रियली थिंक दिस इज न्यूज फॉर मी? व्हाई डू यू थिंक आई एम एंटरटेनिंग? ताकि तुम मानिक और नंदिनी के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सको. यू वर सपोज्ड टू कीप नंदिनी अवे फ्रॉम मानिक. Manik has changed. He's not aggressive anymore. We can't afford that. You know that, right? Yeah, I know that. But trust me, this time I have a concrete plan. I'll take care of both of them. Well, you better. मैं कुछ भूल गई हूँ. ये
मैं तुम्हारे लिए ये लेके इयररिंग्स, एक मैं तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ और एक मैं खुद पहन रही हूँ. सो यू हैव टू गेट वेल सून ताकि तुम मुझे ये पहनो. नंदिनी, उसको हॉस्पिटल जाने में इतना लेट क्यों हो रहा है? What took you so long, Osmani? वो ठीक है. किसी ने तुम्हें पहचान लिया? वो नहीं, कर क्या रहा था माने? He's sleeping. Is this seat taken? हाँ, पर तुम पूछ रहे हो. नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसको अपने घर ले जाऊँ. What? Of course, बैठने के लिए. Oh, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला होगा ना हमारे बीच में आके बैठने के लिए? Come on, we are not again. देखा नहीं कैसे मैंने धक्का मारा उसे. वो देखो, गुर गुर के देख रहा हूँ. वो पता नहीं कहीं कहीं गिर गई हो. दूसरा निकाल दो, अच्छा नहीं लग रहा. बेंगलोर में ऑर्गेनाइज्ड क्लासिकल म्यूजिक वर्कशॉप के बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं मेरे पास. आई एम थॉरली इंप्रेस्ड. इन एंड आउट ऑफ स्पेस यू ऑलवेज मेक मी प्राउड. अब आप लोग सोच रहे होंगे, व्हाट्स द बिग सरप्राइज, मैंने आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, एक और चांस टू शो योर ब्रिलियंस. आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू दैट रेडियो O2 हैज लॉन्च्ड अ न्यू टैलेंट Hunt program in partnership with Space. This, believe me, is a huge opportunity for all of you. Aur iske sare details aapko Radio O2 ke station head, Mr. Shah, de. Listen to him very carefully, all of you. Mr. Shah, please address the students. Hello, everyone. Let me begin by telling you that this talent hunt is open for everyone. आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे फिर वो बैंड परफॉर्मेंस हो या सोलो या फिर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन. यू कैन सूट योर स्टाइल. इस टैलेंट हंट में ना ही किसी फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शन है और ना ही किसी जेनर की. बस टैलेंट ऐसा होना चाहिए जो आज तक ना ही किसी ने देखा हो और ना ही किसी ने सुना. एंड हियर इज द बिग वन. इस टैलेंट हंट में इंडिया के टॉप 7 म्यूजिक कॉलेज पार्टिसिपेट और टॉप 2 परफॉर्मर, विनर एंड द रनर अप परफॉर्मेंस will get a chance to cut an album. And who knows, it could be one of us. Will be one of us, Mr. Shah. In fact, aap abhi apne winners se mil sakte hain. Oh, really? Mm-hmm. Our best bet, the finest talent in space, 2-time Musicana winners, the Fab Five. इनके बारे में तो मैं पहले बहुत सुन चुका हूँ. सर, इट्स गेटिंग टू एक्साइटेड. आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देयर परफॉर्मेंस. गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू. दिस इज ग्रेट न्यूज बट नॉट एक्साइटिंग एनफ. जब तक फाइव फाइव के सारे मेंबर साथ ना हो, नथिंग इज एक्साइटिंग. जी हाँ मैम, टाइमिंग माने हॉस्पिटल में और ध्रुव, उसका तो पता ही नहीं होगा. I would really like to thank Radio O2 and Mr. Shah, जिसने हमारे साथ ही पार्टनरशिप की, for this unique talent. Thank you so much. So, it's time, guys. अपनी preparations आप आज से start करें. Get going and all that.